मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पेश किए गए बजट को सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विकास को गति देने वाला और बैलेंस बताया। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग को 1537 करोड़ रुपए के आवंटन करने का बजट में प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल से 21% ज्यादा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पेश किए बजट को सहकारिता मंत्री क्यों विकास को गति देने वाला और बैलेंस बता रहे हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से। आप भी देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रदेश का बजट पेश किया है। इस बजट को कैसे देखते हैं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, इनसे जानते हैं कि आज जो बजट पेश किया है उसमें इनके विभाग को क्या क्या मिला है। जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश किया है लगभग 1,77,000 करोड़ रुपये का, वो सभी विभागों का और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक बैलेंस्ड बजट पेश किया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे विभाग को भी 1537 करोड़ रुपए का बजट मिला है और ये पिछले साल से लगभग 21% ज़्यादा है और इसमें किसानों को और सभी हमारी जो सहकारिता जो समिति हैं उनको भी इसमें जैसे ब्याज का भी लोगों को जो लोन वगैरह हो उसमें ब्याज की रियायत दी है, डेयरी में भी लोगों को मतलब जो पशुधन खरीदेगा उनको भी ब्याज में लाभ दिया है, तो ये सारी अच्छी मतलब योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने शामिल की है। डॉक्टर साहब, ये लोगों की उम्मीदों पर कितना बजट खरा उतरेगा? देखो, ये मैंने कहा ना कि सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो और सभी पशुपालक हो, सभी का ध्यान इसमें रखा गया है और ये एक बैलेंस बजट है और बहुत ही मतलब एक विकास का बजट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया है, इसमें काफ़ी अच्छा मतलब बजट है। डॉक्टर साहब, इस बजट में कोई टैक्स लगाया गया है या टैक्स मुक्त है? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि हमने इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और ये जनता के लिए एक अच्छी बात है कि उन पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं थोपा गया। ये थे मेरे साथ सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया है और इस बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। वहीं इन्होंने बताया कि इस बजट से सभी वर्गों को लाभ होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।